हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे आखिर को लेकर साहिबा, आंगन, दिलजीत तीनों की सांसें थमी हुई है। जहाँ शो के ऑनगोइंग ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि आखिर को उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि उसके सीक्रेट फ्रेंड ने ही किडनैप कर लिया है, तो अब बदले में उसने साहिबा और अंगद को साथ में आने की डिमांड भी की है। अब बहरहाल ये कौन है तीसरा शख्स, ये तो अभी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कैसे साहिबा और अंगद यहाँ पर दिलजीत को आखिर को गिरफ्त से किडनैपर के लिए जाते हुए देखने वाले हैं, जिसके बाद होने वाला है इन दोनों को ही बहुत बड़ा मिस कन्फ्यूज़न, यानी कि होने वाली है एक बहुत बड़ी गलतफहमी दिलजीत को लेकर के साहिबा और अंगद के दिमाग में, जहाँ अंगद और साहिबा जैसे तैसे करके इतनी मोटी रकम का इंतजाम करेंगे आखिर को छुड़ाने के लिए। कि तभी आएगा शो की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट कि अंगद और साहिबा के पहुंचने से पहले ही वहां दिलजीत पहुंच जाएगा और आखिर को अपनी गोद में लेकर भागने लगेगा। साहिबा को लगेगा कि शायद दिलजीत का ही कहीं ना कहीं हाथ है आखिर के किडनैपिंग में, और उसके बाद वो सबसे पहले तो लगाने वाली है दिलजीत को जोरदार थप्पड़, उसके बाद वो करने वाली है अंगद के साथ वापस लुधियाना जाने का फैसला। जी हाँ, यही होगा शो के अपकमिंग ट्रैक की माने तो बताया जा रहा है कि साहिबा वो जो बर्थ सर्टिफिकेट उसने बनवाया था आखिर के पापा के नाम के कॉलन में, जहां पर दिलजीत का नाम लिखाया था, अब साहिबा वहां से दिलजीत का नाम हटा कर के अंगद का नाम लिखवाने वाली है, और वो आखिर की खुशी के लिए लुधियाना वापस जाने का मन बनाएगी, क्योंकि अब वो चाहती है कि आखिर को उसके मॉम और डैड दोनों का प्यार मिले, और जब आखिर के पापा जिंदा हैं, सही सलामत हैं, तो क्यों आखिर किसी और को अपना पापा बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद दिलजीत के लिए साहिबा के दिल और दिमाग में नेगेटिविटी तो आ गई है। लेकिन अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग, कि क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश है अंगद की दिलजीत और साहिबा को अलग करने की, या फिर कोई तीसरा एक स्टोरी में इन्वॉल्व है। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।